नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी इंडियननेस में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। 3 नवंबर यानी आज का दिन इतिहास के पन्नों में बड़े ही सुनहरे अक्षरों में इस दिन के इतिहास को लिखा गया है, क्योंकि आज के दिन कई बड़ी चौंकाने वाली घटनाएं हुई थी। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं विस्तार से इन सभी घटनाओं के बारे में। दोस्तों, 3 नवंबर का इतिहास स्पेस साइंस से जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर सुना या पढ़ा होगा कि स्पेस में इंसानों से पहले एक कुत्ते को भेजा गया था, और ये घटना एकदम सच है। आज ही के दिन साल 1957 में सोवियत संघ ने लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था। वो पहला जीव था जिसने अंतरिक्ष यान में सवार होकर आसमान की सैर की और धरती के चक्कर भी लगाए। लाइका को स्पूतनिक 2 के जरिए स्पेस में भेजा गया था। आज से करीब 60 साल पहले यानी 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पूतनिक 2 नाम का अंतरिक्ष यान भेजा। दरअसल स्पूतनिक 1 की कामयाबी के बाद सोवियत के नेता निकिता खुश्चेव ने वैज्ञानिकों को 1 महीने में एक कुत्ते को स्पेस में भेजने के निर्देश दिए थे। साल 2002 में ये बात सामने आई कि अंतरिक्ष में पहुंचने के 7 घंटे के भीतर ही घबराहट और गर्मी से लाइका की मौत हो गई थी। इस मिशन की कामयाबी के बाद लाइका पूरे सोवियत में हीरो बन गई। तो वहीं इससे ये भी साबित हो गया कि सोवियत संघ स्पेस की रेस में अमेरिका से आगे निकल गया है। लाइका को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सोवियत के वैज्ञानिकों ने जर्मन इंजीनियर वर्नर वॉन ब्रॉन का फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूले से कई जानवरों को आसमान में भेजा गया था और वो जिंदा भी वापस लौटे। उस दौर में अमेरिकी वैज्ञानिकों की पसंद बंदर और चिंपैंजी थे, लेकिन सोवियत वालों को कुत्ते ज्यादा पसंद आए। तो सोवियत वैज्ञानिक इसके लिए आवारा कुत्तों को पकड़ा करते थे और अच्छा खाना पीना और ट्रेनिंग देकर उन्हें स्पेस मिशन के लिए तैयार किया जाता था। मजेदार बात यह है कि सोवियत के वैज्ञानिक रात में अक्सर सुनसान सड़कों पर आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम करते थे। लाइका भी ऐसे ही आवारा कुत्तों में से एक थी। इस मिशन को सुसाइड मिशन भी कहते हैं, क्योंकि इस मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव नहीं है। उन्होंने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें तकनीकी खामी थी। तकनीकी रूप से वो रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस आ सके। इस मिशन को खुश्चेव के प्रोपेगेंडा के तौर पर भी देखा जाता है। वो चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति की 40वीं जयंती पर मिशन को लॉन्च करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लाइका के स्पेस में जाने के अलावा आज के दिन और भी कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिनकी वजह से आज के इतिहास को याद किया जाता है। जैसे साल 1917 में महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करने वाली अन्नपूर्णा महाराणा का जन्म हुआ था। अन्नपूर्णा महाराणा महात्मा गांधी की करीबी सहयोगियों में से एक थी। साल 2004 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश दूसरी बार यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट चुने गए थे। आपको बता दें कि इस चुनाव में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के जॉन कैरी को हराया था। तो वहीं साल 1976 में भारतीय शूटर मानवजीत सिंह सिंधु का जन्म हुआ था। ये भारतीय निशानेबाज मुख्य रूप से ट्रेव शूटिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। वो दुनिया के नंबर 1 शूटर रह चुके हैं और 4 बार ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। उन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार और खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है। साल 2014 में अमेरिका में आतंकियों के हमले से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराए जाने के पूरे 13 सालों बाद एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खोला गया था। साल 1962 में चीन के हमले को देखते हुए भारत सरकार ने गोल्ड बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे गोल्ड कंट्रोल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चीन के साथ सीमा विवाद के दौरान 1962 में विदेशी मुद्रा का गिरना एक बड़े खतरे के रूप में सामने आया था। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1962 को सामने रखा। इसके तहत बैंकों के द्वारा दिए गए सभी गोल्ड लोन्स को वापस लिया गया और सोने में वायदा कारोबार पर रोक लगा दी गई। 1963 में 14 कैरेट के ऊपर सोने के आभूषणों के उत्पादन पर भी रोक लगा दी गई थी। तो दोस्तों, आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी हमारे इतिहास से जुड़े कुछ खास और रोमांचक तथ्यों की जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।